की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को। गीता बबीता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल पाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है, लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं, तो तालियां और तेज हो जाएगा। दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है। और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं। ये सर्वदा सीता दुर्गा सावित्री सी महान होती हैं। अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा, है शक्ति की सच्ची मिसाल, बेटियां शान हिंदुस्तान होती। क्या बात है। हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी, ये सच्ची बात है? आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30-4 बजे, 5 तो थोड़ा लेट। गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जाती ना, कि उठ भाई तेरे बांग देने का टाइम हो गया, मुर्गा भी सोचता था गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी। तो आप चार बहने हैं तो चारों ही चारों रेसलिंग करती हैं आप? जी। अगर आप बदला लेना है आपको मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान हैं, आप क्या खाती हैं? मैं तो जी दूध दही खाया करूँ, घी और चूरमा और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूँ। पर अच्छा, वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरे मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें 1 साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब हो गई 4 बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाने में। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? पर वही है, देख लो कि जिन्होंने जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या तो दंगल बनी भी है। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। महावीर जी के एक दिन दिमाग में आया, रातों रात इनके गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। ये सच्ची बात है गोलगप्पे वाली? अकेले गोलगप्पे नहीं, मतलब कोई भी मिर्च मसाले की कोई भी चीज, अच्छा पराठे हो चाहे अचार या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज पापा खाने ही नहीं देते थे। मुझे एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि नहीं यार, बहुत मेहनत की है बचपन से, तो हमने आपके लिए गोलगप्पे मंगवाए हैं। आज दोनों बहनों का कॉम्पिटिशन होता है ज्यादा कौन खाएगी। मंगवाया जाए जरा पानीपुरी, पानीपुरी वाले को बोलो ठेले समेत आ जाए। इधर से जाते हैं कि पकड़ ना ले, पता नहीं पहलवान आदमी का। महावीर जी खा लें आधा आधा। आधा अच्छा, गोलगप्पा तो आधा खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा हो जाए फिर। अभी खा रहे हैं, घर पे जाके बताएंगे। चलो 4 गोलगप्पे खा के 2 थप्पड़ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा। भाई ये हमारे देश की, चलो गोलगप्पे बनाओ। लो जी गोलगप्पे खाओ, एंजॉय करो। पापा पीछे की तरफ देख रहे हैं अभी भी। नहीं नहीं ये नकली वाले हैं, ये खाली टीवी वाले हैं। मैं भी लेता हूँ, थैंक यू। अब कपिल जी कितने टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं। मैं तो उसको दे रहा हूँ, खा के ना इधर अपने पापा को देख रही है। ये तो तीखा बिल्कुल नहीं। अब तो कहने लायक छोड़ा ही नहीं।
स्वीट वाले सॉस नहीं। क्या बोला क्या बोला, क्या कह रहे क्या कहते, मत खाओ नहीं खा ले लो, कोई बात नहीं, घर जाके देखूंगा। हम लोगों ने सोचा है अब ठीक है। हाँ क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल टू बनाएंगे। दंगल टू? दंगल टू बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो जाओ। लोग दरअसल क्या है मावर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटियाँ गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या करूँ, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी हर जगह लड़के लड़कियाँ नहीं बनते, लड़कियाँ पैदा भी होती हैं। अच्छा हाँ जी, तो इसको समझाओ। हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। और हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा आगे रिसेप्शनिस्ट। चंदू हाँ जी, ये तो चलो सीनियर है, इनको हाँ तो अकल है नहीं। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आमिर बनने का? आपको अकल नहीं? हर बंदा तरक्की करता है पाजी। अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे, आप भी पहले देखो क्या थे आप। क्या था? क्या थे आप बताओ तो सबको पता चल जाएगा। आपने फिल्म में किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं। इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ इन ये भाई दिखाए गए हैं, मेरे परिवार में और भी 2-3 भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था? फिल्म को गीता बबीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के। देखो आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैंने थोड़ा मैं आराम से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? मैं प्रैक्टिस तो करते थे ये। अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर हैं या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं नहीं, ये ऐसा... सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है, मतलब सही मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates